बाद अपना विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर कहीं न कहीं दिखाया होगा और उसी के परिणाम स्वरूप इस ऐतिहासिक जनादेश की सरकार की ओर हम अग्रसर है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कांग्रेस पार्टी को आज चिंतन इस बात का करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं वो तो एक तरफ, इनकी अपनी कौन सी खामियां थी कि यह एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपने दायित्व, खामियों पर काम करना चाहिए, अब खामियों पर काम करना होगा, बहाने से काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से मैं ये कहता हूं कि अगर हम इस महापराजय को हमको मिली है तो निश्चित रूप से हमें आत्ममंथन करना है, हम पूरी तरह से आत्मचिंतन करेंगे और जो भी कमियां होंगी उसको भविष्य में दूर। रमाकांत पटेल जी क्या कहेंगे आप? आप बड़े ही जोर शोर से आए थे मध्य प्रदेश में, मतलब एकदम भगवंत मान भी साथ नजर आए थे और अरविंद केजरीवाल भी आए थे, रोड शो भी हुआ, लेकिन इसका असर बिल्कुल नहीं नजर आया। देखिए, इस बार मध्य प्रदेश के अंदर बाइपोलर इलेक्शन हुआ है। आप देखेंगे बाइपोलर इलेक्शन में लोग सरकार बनाने के लिए वोट करते हैं, जिनको सरकार बनाने का अवसर दिया है, प्रचंड बहुमत की सरकार मिली है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई है, इनके सभी जीते हुए लोगों को बहुत बहुत बधाई है और आशा है कि जो जनता ने जिम्मेदारी दी है बहुत अच्छा काम करेगी। एक बधाई मैं भी आपको देती हूँ, लेकिन आप एक मजबूत विपक्ष के तौर पे तो सामने आए, दो राज्य तो हैं आपके पास। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी को जो जनता ने जिम्मेदारी दी है, जनता ने जिम्मेदारी दी कि आप लोग मेहनत करें, हम मेहनत करेंगे। भाजपा को जिम्मेदारी दी कि आप सेवा करके दिखाइए, भाजपा सेवा करे, उनको बधाइयां। और कांग्रेस को जिम्मेदारी दी कि विपक्ष की भूमिका निभाएं अपने दम पे। आम आदमी पार्टी दो राज्यों में ये बड़ी बात है, लेकिन सुपड़ा साफ हो गया उत्तर भारत में कांग्रेस का। देखिए, हम इस तरह से नहीं कह सकते कि सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस आज भी मजबूत परिस्थिति में है और निश्चित रूप से हम तेलंगाना जीते तो उसकी आज कोई बात नहीं कर रहा है, मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से हम हारे। तो क्या ये नॉर्थ वर्सेस साउथ हो गया है? आप क्या कहेंगे, नॉर्थ वर्सेस साउथ हो गया है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जनता ने एक चीज का निश्चय किया है कि इस देश में राजनीति अब राष्ट्रीय मुद्दों पर चलेगी, राष्ट्रीय विषयों को लेकर के चलेगी और वैश्विक स्तर पर हमारा देश किस ओर प्रगति करेगा उसको लेकर के चलेगी। यह जो अवधारणा है नॉर्थ वर्सेस साउथ की, हिंदी वर्सेस तमिल, हिंदी वर्सेस तेलुगु, इस प्रकार की मानसिकता को देश अब खारिज करने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जहां देश को कभी दक्षिण और उत्तर में बांटती है, कभी जातियों में बांटती है, कभी संप्रदाय में बांटती है, तो उस राजनीति को मध्य प्रदेश की जनता ने खारिज करने का काम किया है और स्वाभाविक तौर पर अब जो भी दल बांटने की राजनीति करेंगे उनको इसी प्रकार से मुंह की खानी पड़ेगी। नहीं, लेकिन वो मुद्दे भी तो हमें लेकर आने पड़ेंगे सुर्खियों में। जो सनातन को लेकर भद्दी टिप्पणी कांग्रेस की तरफ से की गई, क्या इन्हीं टिप्पणियों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को डुबाया? देखिए, एक बात है कि आज अगर कांग्रेस की पराजय हुई तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि विजय के दंभ की बजाय उनको आगे का देखना होगा कि हम मध्य प्रदेश का विकास कैसे करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दे उठाए थे, निश्चित रूप से हो सकता है हम जनता तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए हों, लेकिन वो मुद्दे आज भी कायम है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, गरीबी किस तरीके से, अलीराजपुर और झाबुआ आज भी देश के सबसे गरीब जिले हैं, निश्चित रूप से कुपोषण के अंदर श्योपुर नंबर वन है। लेकिन आपको भी देखना जरूरी है कि आपने कहा पर कमी छोड़ी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी सतीश जी कि जो मोदी फैक्टर है, फार ब्रांड नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी फैक्टर कितने राज्यों में इस्तेमाल किया जाएगा? मोदी फैक्टर हर राज्य में इस्तेमाल किया जाएगा। अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बाद में है, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। गैलरी जो अपने कार्यकर्ता बंधु मीडिया की गैलरी में आ गए हैं, कृपा करके मीडिया की गैलरी खाली करने का कष्ट करेंगे। फेसलेस गई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने, और इसके बावजूद जनता ने कोई एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में नहीं दिखी। ये आज का जो नतीजा है वो करीब करीब 2003 एक के तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और तमाम कार्यकर्ता एकत्रित भी हो चुके हैं, और क्योंकि देखिए प्रचंड जो सीटें हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो ये सफर 2014 से शुरू हुआ, 2014 से शुरू हुआ ये सफर लगातार जारी रहा 2023 तक। 2014 में पहली बार केंद्र में आई और 7 राज्यों और 25% आबादी पर बीजेपी की सत्ता थी। 2018 में 21 राज्य और 71% आबादी में देख सकते थे हम कि किस तरीके से बीजेपी की सत्ता। फिर थोड़ा डाउनफॉल हुआ 2018 के बाद, लेकिन 2023 में 16 प्रदेशों में बीजेपी बड़ी बात, पूर्वोत्तर भारत पर बीजेपी का दबदबा है, जिसमें कि सिक्किम को भी हम इंक्लूड करेंगे। ये बड़ी तस्वीर, कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई है और यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ हर कोई पहुंचा हुआ है, जश्न मना रहा है। हालांकि ये जग जाहिर है कि जब इस तरह की कोई भी आयोजन या कार्यक्रम होते हैं तो यहाँ पर मोदी मोदी के नारे जरूर सुनाई देते हैं, और अभी भी यहाँ पर यही सिलसिला देखने को मिल रहा है। देखिए, मोदी मोदी के नारे,
और भारत माता की जय। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आएंगे और उनका संबोधन भी शुरू हो जाएगा, लेकिन लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। शिवम जी, देखिए 2014 से सफर शुरू हुआ, 14 में भी जबरदस्त जीत और उसके बाद 18 में भी जबरदस्त जीत, बीच में थोड़ा डाउनफॉल हुआ, लेकिन 23 में 16 प्रदेश अब आपके। देखिए, लोकतंत्र में सदैव अपनी चुनावी विजय हो या पराजय हो, दोनों से सीखते हुए आगे बढ़ने का एक सिलसिला होता है और जनता लगातार आपको टेस्ट करती रहती है और यही शायद लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि आप कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में चुनाव हारती है वहां पर हमारी हार का मार्जिन कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। कर्नाटक में हमारा वोट परसेंटेज इंटैक्ट रहा, उसके बावजूद हम सीटों में कहीं ना कहीं डिप कर गए और कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा, तो स्वाभाविक सी बात है भारतीय जनता पार्टी अगले चुनावों में वहां रिवाइव कर जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में चुनाव हारती है, मसलन वह गुजरात, एक्सपर्ट से ये जानना चाहूंगी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट से मैं ये समझना चाहूंगी, वो फैक्टर्स, लाडली बहना योजना ने तो काम किया ही, मोदी कार्ड ने तो काम किया ही, लेकिन मध्य प्रदेश में जो यहाँ के लोग हैं उनके कौन से फैक्टर काम आए? देखिए, एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एंटी इनकम्बेंसी का, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के 18 वर्ष के शासन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। हम ऐसा कह रहे थे कि मतदाता साइलेंट है। हाँ। और लाडली बहना योजना की जहां तक बात है तो 2% महिलाओं का वोट 2018 की तुलना में ज्यादा हुआ, वो सीधा वोट में कन्वर्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिर किसान सम्मान निधि है केंद्र सरकार की, और कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम की एक बात कही थी, वो बहुत ज्यादा उसका असर नहीं दिखा, ऐसा लग रहा था कि वो गेम चेंजर होगी। हनुमान जी के जयकारे लग रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश हाई है, लेकिन सुबह जो दिल्ली में कांग्रेस का मुख्यालय राममय हुआ था वो फैक्टर भी काम नहीं आया। देखिए, आज तो मैं केवल इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी इस जीत पर मैं मुबारकबाद दे रहा हूं और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इस हार के बाद में आत्मचिंतन करेगी और जो भी कमियां हैं और किस कारण से पराजय हुई उन खामियों को जांचेगी और उनको दूर करेगी। लेकिन ज्यादा खुश होना नहीं चाहिए बीजेपी को भी, आपके बड़े बड़े मंत्री हार गए चुनाव। देखिए, लोकतंत्र में अगर हम विहंगमता के साथ देखें तो कई सारे बड़े लोग जीते, हो सकता है कई बार स्थानीय परिस्थितियां विपरीत रही हो और अभी भी कई जगह पर गणना चल रही है, तो स्वाभाविक तौर पर इन चीजों के विषय में हम भी बाद में विचार और मंथन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों से लेकर के विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन की अपनी यात्रा को लगातार इसी प्रकार से विचार और मंथन के माध्यम से संचालित किया है। मैं पहले भी यही बात बोल रहा था, जहां पर हम हारते भी हैं वहां पर अपना वोट परसेंटेज इंटेक्ट रखते हैं और अगले चुनावों में जोरदार वापसी के लिए हमारा कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत करता है। छत्तीसगढ़ में हम पिछले कार्यकर्ताओं की तस्वीर दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जेपी नड्डा को आप देखिए कार्यकर्ताओं के बीच में वो मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं का जोश काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखाई देंगे, हम आपको सुनाएंगे कि पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से क्या कुछ बातें करेंगे, अपने संबोधन में क्या कहेंगे। लेकिन मुझे वो बयान भी याद है जब उन्होंने कहा था कि एक अकेला सब पर भारी और यही दिखाई दे रहा है। मोदी जी आए, उन्होंने 15 से 16 सभाएं की, लगातार रोड शोज किए और इसके साथ ही प्रचार प्रसार जोरों पर कई देर तक, कई मिनटों तक उनकी जो स्पीचेस है वो हमने स्टेज से सुने हैं। 160 सभाएं शिवराज सिंह चौहान की एक एक दिन में, 12-12, 13-13, 15-15। हालांकि कमलनाथ ने भी 114 सभाएं की, प्रियंका गांधी ने 9 की थी, राहुल गांधी ने 9 की थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तमाम 14-15 सभाएं की थी। तो इस तरह तमाम ऐसे नेता थे जो दम दिखाते हुए नजर आए। उषा ठाकुर जी मेरे साथ जुड़ गई। उषा ठाकुर जी, क्या कहेंगे रुझानों को देखकर? हालांकि बहुत जगह तो रिजल्ट भी आ गए हैं, 98 बीजेपी के नेता जीत गए। मैं मतदाताओं का बहुत धन्यवाद दूंगी क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, उसके नेतृत्व को भरपूर आशीर्वाद दिया। इस प्रदेश का, इस देश का मतदाता ये जानता है कि बच्चों का भाग्य और भविष्य, राष्ट्र की सुरक्षा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संरक्षण संवर्धन और विश्व के सामने आर्थिक शक्ति बन के यदि भारत खड़ा हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही हो सकता है। आगे महिलाओं के लिए क्या खास होगा? उषा जी, आप भी महिला हैं, आप तो ग्राउंड जीरो पर देखती होंगी कि महिलाओं की जरूरतें क्या है, महिलाओं के लिए स्वावलंबन की दिशा में अब मध्य प्रदेश की सरकार काम करेगी। हम मातृशक्ति के लिए, स्पेशली आप लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना जैसी योजनाओं ने मातृशक्ति के
संदर्भ में क्रांति की है और अब इसे स्वावलंबन और सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत करने का पूरा प्रयास हम करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया उषा जी बातचीत करने के लिए। तो चेहरे खेल रहे हैं, बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं, कार्यकर्ताओं का तो जोश आपको दिखा ही रहे हैं जी, कार्यकर्ताओं का तो जोश दिखा ही रहे हैं आप लोगों को। और दिल्ली में थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे और तब भी आप देखेंगे वो जोश कार्यकर्ताओं का जो बहुत ज्यादा हाई इस वक्त नजर आ रहा है, उन्हीं की तो मेहनत है। लगातार कई बड़े दिग्गज जिन्होंने ट्वीट किया और उन्हें कार्यकर्ताओं को सबसे पहले धन्यवाद दिया है कि आप ही की मेहनत से आज हमने इतना बड़ा आंकड़ा पार किया है। लेकिन मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगी रमाकांत जी कि उत्तर भारत में एक तरफ जहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, वहीं आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्षी के तौर पर उतरी है, क्या आपका आगे का सफर इसी तरह जारी रहेगा या आप किसी के साथ आएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे राष्ट्रीय फलक पे आम आदमी पार्टी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी जिस रफ्तार से बढ़ रही है विश्व की कोई पार्टी इतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। निश्चित तौर पे जल्द ही हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, अच्छा संगठन हो रहा है। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पुनः भाजपा को बहुत बहुत बधाई है, इन्होंने अपने संगठन के दम पे चुनाव जीता। और साथ ही साथ एक जो बड़ा फैक्टर रहा, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के लोग बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त थे और लास्ट में जो इससे राहत देने का काम किया, ये वही कहावत हो गई कि हाँ। ये सियासत भी गजब काम करती है, आंखें छीन लेती है, चश्मे दान करती है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक ये फैक्टर हाँ। भी रहा। ठीक है, लेकिन कांग्रेस से मेरा ये सवाल रहेगा संतोष जी, जिस तरीके से हमने देखा बहुत से ऐसे दिग्गज हैं जो जीते भी तो बहुत ऐसे हैं जो हारे भी अपनी सीट से, अब मंथन का दौर क्योंकि आ चुका है, लेकिन दक्षिण में अच्छा खासा आप लोगों का दबदबा है, इसको कैसे फैलाएंगे ऑल ओवर? देखिए, दक्षिण में कांग्रेस का दबदबा है आज इस पर बात करने का विषय नहीं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि निश्चित रूप से हमारी रणनीति में कुछ खामियां रह गई होंगी जिसकी वजह से हम अपनी बात जनता तक उस तरीके से नहीं पहुंचा पाए, वरना परिणाम कुछ और होते, क्योंकि 1.5 साल की जो आरोप ये भी लगते हैं कि आप लोग जो है मुख्यमंत्री कैंडिडेट को अकेला छोड़ देते हैं, कमलनाथ अकेले मोर्चे पर थे, ये बिल्कुल गलत बात है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अगर इस तरीके की बात करते हैं तो ये जीत के अहंकार में बोली हुई बात मानी जाएगी। कांग्रेस का एक एक नेता एकजुट था, पूरी तरह से साथ था, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, सुरेश पचौरिया, जो भी नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, सब एक साथ पूरी मेहनत कर रहे थे, लेकिन हार के क्या कारण रहे इस पर मंथन होगा और निश्चित रूप से उन कमियों को दूर किया जाएगा। क्षेत्र के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ग्वालियर चंबल अंचल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण रेंज है, यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया कि आज ग्वालियर की जनता ने, ग्वालियर चंबल की जनता ने जवाब दे ही दिया, क्या लग रहा था कि कांग्रेस कमाल करेगी ग्वालियर में? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के बीच में श्रेय लेने के लिए सिर्फ फुटबॉल होगी, ये बिल्कुल निश्चित है। ग्वालियर चंबल में सिंधिया जी चाहेंगे कि उन्हें श्रेय मिले, नरेंद्र सिंह तोमर चाहेंगे कि उन्हें श्रेय मिले, लेकिन दरअसल अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इतने मजबूत होते तो आजादी के बाद पहली बार हमने ग्वालियर में अपना महापौर बनाया है। नौबत आएगी क्या? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज है, कांग्रेस चुनाव से पहले भी सिर फोड़ने की बात कर रही थी लेकिन कपड़े फाड़ने की नौबत इनके यहाँ आई। यह चीज पूरा प्रदेश साक्षी रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी की कदर हावी थी। जहां एक और किले और फार्म हाउस की लड़ाई चल रही थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जयवर्धन करेंगे या नकुल नाथ का मुख्यमंत्री फिक्स है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर हमारे यहाँ पार्टी नेतृत्व निर्णय लेगा, हम तो हर चुनाव में कहते हैं कि हमारे केंद्र का नेतृत्व जिस भी कार्यकर्ता की वांछनीय भूमिका देखेगा। बहुत रेस में लोग थे मुख्यमंत्री बनने के लिए लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने वो तो सिंपैथी कार्ड खेल दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। देखिए, हमारी पार्टी में शिवराज जी ने यहाँ पर राजनीति करने से पहले, मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने से पहले यह शर्त नहीं रखी कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तभी मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा। आप देखेंगे कि कल को, परसों को या फिर दो चार एक हफ्ते में, एक महीने में कमलनाथ जी का हेलीकॉप्टर इस पराजय के बाद मध्य प्रदेश से दिल्ली वापसी की उड़ान भरेगा, लेकिन शिवराज जी को पार्टी कल मुख्यमंत्री बनाए, कोई और भूमिका में रखे, इसके बावजूद भी वह मध्य प्रदेश की जनता की सेवा पूरी निष्ठा और समर्पण के भाव के साथ करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के नेताओं में यही एक मूलभूत अंतर है। जहां हम देखे कि शिवराज जी ने पूरे नेतृत्व को साथ लेकर के चले, प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, उन्होंने सीएम के बराबर सभाएं नहीं की लेकिन बूथ मैनेजमेंट हो, पार्टी की संगठन की बैठकें हो, संगठन की मजबूती हो, तमाम चीजों में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। सिंधिया जी की कुछ और भूमिका थी, तोमर जी की कुछ और भूमिका थी, कैलाश जी को दूसरी जिम्मेदारी थी और सबने सम्यक तरीके से उसका उचित निर्वहन किया। आपके पास आऊंगी सतीश जी,
यहाँ पर मोदी जी ने कहा था, एक बयान मुझे उनका याद आ रहा है कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति महिला सशक्तिकरण है, विकास है, रोजगार है, युवा है। ये फैक्टर, ये बातें जनता पर बहुत असर डालती है। कांग्रेस क्यों पीछे रह जाती है मूड जानने में जनता के, या फिर माहौल को खंगालने में? क्यों कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को इतना बड़ा बना लिया, जिसको स्वयं कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे उनके पिताश्री राजीव गांधी जातिवाद के खिलाफ थे, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं करना चाहते थे। इसके बावजूद कांग्रेस ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले वो जातिवाद का एक मुद्दा उठाया, जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं गरीब को जाति मानता हूं। तो ये आप समझ लीजिए, ये 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस ने जो सबसे बड़ा अपना मुद्दा बनाया है उसको भी एक तरह से मोदी जी ने फेल कर दिया है। मैं अपने पत्रकारिता के अभी तक के करियर में 9 लोकसभा चुनाव और 7 विधानसभा चुनाव देख चुका हूं। पहली बार ऐसा हुआ जो मध्य प्रदेश के जो नतीजे आए हैं इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक तरह से हम ये कह सकते हैं इस चुनाव उम्मीद बिल्कुल नहीं थी जनता ने। हाँ। जनता ने भी कुछ प्रतिशत स्वयं स्वतः स्फूर्त हम जिसको जो कहते हैं भाजपा को और मोदी जी को चुना है जनता ने स्वतः। उम्मीद किसी को नहीं थी, प्रचंड बहुमत की तो उम्मीद किसी को भी नहीं थी, लेकिन उम्मीद के परे कहती कुछ चीजें ऐसी हो जाती है राजनीति में जिसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई अगर सोचेगा तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। और अब मध्य प्रदेश के जो रुझान सामने आए, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, तमाम जो नेता जीत रहे हैं, जो हार रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड चीजें हो रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी सुनामी है शिवम। देखिए बशीर बद्र की मुझे लाइनें याद आती हैं कि आंखों में रहा दिल में उतर करके नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। तो मध्य प्रदेश की जनता के दिल में अगर कोई उतर करके देखता तो वहां पर मोदी जी उनको मिलते, वहां पर भाजपा का गरीब कल्याण मिलता, वहां भाजपा की विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति मिलती। और स्वाभाविक तौर पर यही चीजें कांग्रेस पार्टी ने मिस की चुनावों में, और इसी वजह से इतनी बड़ी पराजय की ओर वह अग्रसर हुए। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास जीतना तो छोड़िए, अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं अर्जित कर पाए। अजय सिंह अपनी सीट से बाहर नहीं निकले, सुरेश पचौरी पूरे चुनाव में घर पर बैठे रहे, अरुण यादव ने अपने भाई के अलावा किसी की सीट पर ध्यान नहीं दिया, कांतिलाल अपने बेटे के अलावा कहीं नहीं गए। तो यह तमाम चीजें उनकी हार के सबसे बड़े कारक हैं। मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी की जय हो या पराजय हो, आदमी को संयम नहीं खोना चाहिए और जो दम्भ की अनुभूति होती वो नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ शिवम भाई आज जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी अपना हेलीकॉप्टर लेके उड़ जाएंगे, मैं समझता हूँ बहुत ही ओछे दर्जे की बात है कमलनाथ जी जैसे बड़े स्तर के नेता के लिए। 43 साल पहले जब से वो छिंदवाड़ा की धरती पर चुनाव लड़े हैं उसके बाद से लगातार मध्य प्रदेश की सेवा करते रहे, और मध्य प्रदेश में आज जो सड़कों का जाल बिछा है, मध्य प्रदेश की जो उन्नति हुई है, निश्चित रूप से आज हमारी पराजय हुई है, लेकिन इसके लिए कमलनाथ जी को दोषी मानना मैं समझता हूँ बिल्कुल उचित नहीं है। हम हार के कारणों की जांच कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव बिल्कुल बिल्कुल कमलनाथ जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम हार के कारणों की जांच करेंगे और देखेंगे कि कहां कमियां रह गई, और निश्चित तौर पर हम देखिए एक सशक्त और समृद्धशाली नेतृत्व की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वह जय हो या पराजय हो, दोनों में ही सामने आकर के अपने जो सेनापति होते हैं, जो महारथी होते हैं, उनका मनोबल ऊंचा करने का काम करते हैं। कमलनाथ जी मैं समझ सकता हूं कि अपनी भूमिका से बचने का प्रयास करेंगे, इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भी जिम्मेदारी लेने से बचे। कांग्रेस को कि कुछ बयान ऐसे आए मौके पर दिए गए कांग्रेस की तरफ से जो उनकी कश्ती डुबा दी। निश्चित रूप से हर कारण की जांच की जाएगी, और हमारी पराजय हुई तो हम इसको स्वीकार कर रहे हैं, और निश्चित रूप से इस पर मंथन होगा, और जो भी कमियां होंगी, जो भी गलतियां होंगी, उन पर मंथन किया जाएगा। के बाद तो यही कांग्रेस की तरफ नहीं बिल्कुल नहीं, तो आपने फिर कर्नाटक की जीत का श्रेय भी हमें दीजिए। तब भारतीय जनता पार्टी यही बात कर रही थी, निश्चित रूप से हिमाचल का चुनाव जीते, हर चुनाव कहां हार रहे हैं, निश्चित रूप से आज हम हारे हैं। वो जोश जो कर्नाटक में दिखाई दिया, वो जोश जो हिमाचल में दिखाई दिया, राहुल गांधी फ्लोर पे उतर गए, राहुल गांधी कूली बन गए, फिर वो जोश कहां गया मध्य प्रदेश में? पूरी तरह से कार्यकर्ताओं में जोश था, लेकिन निश्चित रूप से आज ये पराजय हुई। तो जब राजनीतिक विश्लेषक इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसे बाकी लोग समझ सकते हैं? निश्चित रूप से हम देखेंगे कहां कमियां रही हैं। सतीश जी क्या नहीं समझ पा रहे आप? नहीं मैं तो समझ पा रहा हूं, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी विराट संख्या में सीटें मिलेंगी, वो करीब करीब 2003 की स्थिति की तरफ जा रही है। 2003 में तो 10 साल का दिग्विजय सिंह का एक जिसको कहते हैं उससे जनता त्रस्त हो चुकी थी, जनता चुनाव लड़ रही थी दिग्विजय सिंह की सरकार को हराने के लिए, लेकिन अभी तो किसी सरकार को हराने जैसी स्थिति तो नहीं थी। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में मैंडेट मिला है बीजेपी को। मुझे ऐसा लगता है
कि कांग्रेस को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा। प्रदेश स्तर पर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ वही नेतृत्व रहेगा जो 2018 में था, 2024 में कुछ बदलाव जाना है। एक कमेंट, 2003 में भारतीय जनता पार्टी के अगर आप कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के नाम गिनेंगे तो गौरी शंकर सेजवार जी तब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, उमा भारती जी हमारी प्रदेश अध्यक्ष थी, यहाँ पर बाबूलाल गौर जैसे सीनियर नेता थे, यहाँ पर कैलाश जोशी जी थे, यहाँ पर सुंदरलाल पटवा जी थे, और आज भारतीय जनता पार्टी और कोई कांग्रेस पार्टी में उस समय पर भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही नेता हुआ करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी में शिवराज जी नवोदित नेता नहीं है, वयोवृद्ध नेता है, सीनियर नेता है, वही कांग्रेस में आज भी वही नेता नेतृत्व कर रहे हैं। 2018 की हमारी सरकार आई थी और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने धोखे से छीना था, तो भारतीय जनता पार्टी आज जीत गई है, निश्चित रूप से वो खुशी मनाए। लेकिन इसके आगे हर किसी के ऊपर आरोप मार देना या कह देना कि इसकी लोकप्रियता कम है और ये सारी चीजें, ठीक है अपनी जगह, हम कह रहे हैं कि हम हारे हैं और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है मैं वापस से आपके पास आऊंगी। मैं स्टूडियो का रुख करूंगी, सुमित मेरे सहयोगी वहां पर जुड़े हुए हैं। सुमित, ओवर टू यू। सुमित बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो चर्चा थी इतनी अच्छी चर्चा विश्लेषण करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं संजय राणा जी, बहुत स्वागत है सर आपका। ये तस्वीरें फिलहाल बीजेपी दफ्तर से, गृह मंत्री अमित शाह जीत की सीढ़ियां चढ़ते हुए, जी हाँ जीत की सीढ़ियां हैं, ये जीत की सीढ़ियां हैं। तीन राज्यों में प्रचंड बहुमत, ऐसा बहुमत जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मध्य प्रदेश की आप टैली देखिए, नीचे जो टैली चल रही है ना उस पर आप ध्यान दीजिए, उस पर आप ध्यान दीजिए, 169 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, जीत की सीढ़ियां हैं भाई साहब ये। संजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, संजय जी किस तरीके से देखेंगे इस प्रचंड जीत की ओर बढ़ती हुई बीजेपी पार्टी को? देखिए जहां तक बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं बार बार ये कहता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी एक हमेशा एक सूझबूझ से स्ट्रेटेजिक बना करके उसको एग्जीक्यूट करने वाली पार्टी है, जबकि विपक्षियों की अगर हम बात करें वो सिर्फ चुनाव के वक्त ही प्लानिंग और अपना जो भी स्ट्रेटेजी होती है वो बनाते हैं, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हो रहा है। जब अगर आप बात करते हैं इस जीत की, तो ऐसी जीत की शायद संभावना तो भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं की होगी कि इतनी प्रचंड जीत होगी। जो मध्य प्रदेश का आंकड़ा आप दिखा रहे हैं बहुत चौंकाने वाला है, हम सबको पता था कि जीत तो निश्चित है लेकिन इतनी बड़ी होगी किसी को नहीं पड़ा था। इसमें बहुत सारे फैक्टर थे, देखिए कहीं ना कहीं एक योजना जो थी जैसे लाडली बहना की योजना हो गई, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जो जीत का कारण बना वो आदिवासी है। देखिए आप पिछले अगर 2018 के चुनाव का सर्वेक्षण करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, तो जो चंबल का क्षेत्र है वहाँ जो आदिवासी क्षेत्र, वहां पे कहीं ना कहीं क्वीन स्वीप था कांग्रेस पार्टी का, उस पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्ट्रेटेजिक सूझबूझ से उस पे एक सेंध लगाने की कोशिश की। आ रही है क्या? जी 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 अंशिका, अंशिका कहिए। जी बिल्कुल संजय जी, सवाल मेरा ये है, अमित शाह की रणनीति, अमित शाह जिस तरीके से पॉलिटिकली मैनेज करते हैं चीजें, क्या कांग्रेस के पास इसका तोड़ नहीं है किसी भी रूप में? क्या ये सबसे बड़ी वजह है मध्य प्रदेश में इतना ड्रास्टिक चेंज? देखिए अमित शाह जैसा व्यक्ति अगर कांग्रेस में है कि नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन अमित शाह की तरह और भारतीय जनता पार्टी की तरह सोचने वाला व्यक्ति कांग्रेस के पास आज के दिन में नहीं है। देखिए जहाँ पे आपका नेतृत्व बहुत मजबूत होता है और आपको एग्जीक्यूट करने में कोई समस्या नहीं होती, तो वहाँ पर एग्जीक्यूशन हो जाता है। जिस तरह से अमित शाह ने कमान संभाली थी, आपने देखा, आप तो वहाँ पर प्रबुद्ध रिपोर्टर हैं, आप पता होगा 6 महीने पहले की सिनेरियो क्या था, जैसे लग रहा था कांटों की टक्कर, कमलनाथ काफ़ी आगे, यानी कांग्रेस पार्टी काफ़ी लगते हुए दिख रही थी, लेकिन चुनाव आते आते देखिए कहां पे कहां पहुंच गया और अमित शाह ने खुद इसकी कमान संभाली थी। एक रिएक्शन में ले लेती हूँ संतोष जी से, एक रिएक्शन में ले लेती हूँ संतोष जी। चुनाव शुरू होने के पहले पहले तक लग रहा था कि कांग्रेस की ही हवा चल रही है और बीजेपी ने अपनी पूरी फौज उतार दी थी जमीन पर। देखिए आप कौन कौन नहीं आया, नितिन गडकरी आ गए मुंबई से, देवेंद्र फडणवीस आ गए, स्मृति ईरानी आ गई, स्मृति ईरानी तो छत्तीसगढ़ में चाय बनाने लगी लोगों के घरों में जाकर, लोगों से जुड़ रही थी, वो एक तरीका था उनका जुड़ने का। ये वो तमाम स्ट्रेटेजी कांग्रेस की कहीं ना कहीं पे कमी दिखाई दे रही है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी मेहनत की है, उसके एक एक नेता ने मेहनत की है और सबने संयुक्त रूप से पूरी व्यू रचना के साथ मेहनत की थी, लेकिन चूंकि अब ये परिणाम आए हैं तो निश्चित रूप से हम सोचने को बात दें कि हमारी रणनीति में कहां कमी रह गई। और निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूं कि ये स्वीकारोक्ति हम कर रहे हैं कि हम ये हारे तो निश्चित रूप से कारण बड़े रहे होंगे, हम देखेंगे कहां चूक हुई और भविष्य में इसको दूर करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अंशिका मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो वहां पर मौजूद गेस्ट से, मेहमानों से एक सवाल मेरा भी कीजिएगा, पूछिएगा कि क्या मध्य प्रदेश में लाडली लहर चली है क्या इस बार? ठीक है, मैं पूछूंगी ये सवाल, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है हमारे साथ मौजूद, आपको क्या लगता है लाडली लहर चली है इस बार? लाडली लहर में ही डूब गई कांग्रेस? लाडली बहना योजना ने निश्चित रूप से करीब 2% का जो उछाल है भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है वो साफ तौर पर लाडली बहना का दिखता है, क्योंकि मतदान वाले दिन मैं खुद भी लोगों से मैंने बात की थी, महिलाओं से भी बात की थी, लेकिन अकेला वो फैक्टर नहीं है, उसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि है और मोदी की जो गारंटी है, वो सब मिला के ये उछाल जो 8% का करीब पहुंचता है, बढ़ गया है जो, वो सब मिला के है, लेकिन इसमें बड़ा फैक्टर निश्चित रूप से लाडली बहना योजना का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां टीएस सिंह देव हार गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है अंशिका, ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में 36 सीटों पर कांग्रेस, जी छत्तीसगढ़ में 36 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई है, बहुत बड़ी खबर। मोहम्मद अकबर भी हार के करीब है, डिप्टी सीएम टीएस बाबा, बहुत बड़ा चौंकाने वाला ये झटका कांग्रेस को लगा है। भूपेश सरकार के 8 मंत्री हार गए हैं छत्तीसगढ़ में 36 सीटों पर, बीजेपी ने पहुंचा दिया है कांग्रेस को, बहुत बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी चुनाव हार चुके हैं अपना, मोहम्मद अकबर भी हार के करीब हैं। मोहम्मद अकबर समेत, टीएस सिंहदेव समेत वो सभी बड़े चेहरे यहां नजर आ रहे हैं। मोहन मरकाम भी चुनाव हार गए हैं, और जिस तरह से अमरजीत भगत का जब रिजल्ट घोषित हुआ तो इससे जाहिर हो गया कि यहां पर एक बड़ा और बहुत बड़ा जो अंतर जो है वो देखने को मिला, चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार के वो बड़े चेहरे, वो 8 मंत्री जब चुनाव हारे, जिसमें मोहम्मद अकबर का भी नाम शामिल है, जो कि लगातार बहुत बड़े दावे वो करते नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से अभी हाल के दिनों में जो घटनाक्रम, जिस तरह से उनका नाम सामने आया, हालांकि क्या कारण उसमें वो भी रहेगा, ये भी देखने का विषय होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में 36 सीटों पर सिमट गई है कांग्रेस पार्टी। भूपेश बघेल सरकार के 8 मंत्री चुनाव हार गए हैं और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए। संजय राणा लगातार हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिसिस जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संजय जी, एक ऐसी स्थिति दिखाई दे रही थी एग्जिट पोल में, जहां पर ये सभी आश्वस्त थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस पार्टी कमबैक करेगी, जो कि भूपेश बघेल को लेकर जिस तरह से सभी बातें हो रही थी कि उनका काम बहुत अच्छा है, लोगों ने बहुत स्वीकार उन्हें किया है, लेकिन ये क्या हुआ आखिर, 8-8 मंत्री चुनाव हार गए छत्तीसगढ़ में, 36 सीटें सिर्फ। देखिए, लगता है कि जितने भी चुनाव के गणतज्ञ होते हैं, जो उनका सारा समीकरण लगता है इस समय फेल हो गया, उसमें से मैं भी एक अपने आप को बोलूंगा कि हम लोग भी सोच रहे थे कि इमरती देवी पूर्व मंत्री इमरती देवी भी चुनाव हार चुकी हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डबरा से चुनाव हारी हैं इमरती देवी, इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मंत्री इमरती देवी चुनाव हारी हैं। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव वो हार गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, सिंधिया कट्टर सिंधिया समर्थक वो कहलाती हैं, लेकिन चुनाव हार गई हैं इमरती देवी। संजय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में 36 सीटों पर सिमट चुकी है कांग्रेस। देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो नो डाउट हम लोग को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी को एज है, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आए हैं उसके विपरीत आए हैं, और उसका बहुत बड़ा कारण दो मुझे नजर आता है। एक तो देखिए, कहीं ना कहीं वहां पे कोई चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं था या किसी को पार्टी ने प्रोजेक्ट नहीं किया था, वहां पे पूरी चुनाव का कमान था वो नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में ले रखी थी, और दूसरा था उनका आदिवासी। देखिए जिस तरह से एक एक मूव को, एक एक स्टेप को भारतीय जनता पार्टी ने कैसे इंप्लीमेंट किया लिया, उसकी तारीफ करनी चाहिए। देखिए, जहां पे आप देखिए आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो आदिवासी हमारे जो प्राइम प्रेसिडेंट, उनको भी एक तरह से एक चुनाव तो नहीं करा सकते, लेकिन उनकी सभाएं दूसरे ढंग से करा करके कहीं ना कहीं उनको अपनी तरफ, जो वोटर है उनको अपनी तरफ करने की कोशिश की गई, नंबर वन। नंबर टू, देखिए जो जब आदमी वोट देता है, 2-3 चीजें बहुत ध्यान से सोचता है कि भाई जो वादा करने वाली पार्टी है वो काम करती है कि नहीं काम करती, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है। और प्रधानमंत्री ने जगह कोई बोला है बैकवर्ड के
लिए काम कर रहे हैं तो उन्होंने किया है, अगर वो आदिवासियों के लिए बोलते हैं तो आदिवासियों के लिए किया है। देखिए आदिवासियों का सम्मान योजना हो, अभी 15 तारीख को आपने देखा होगा आदिवासी नरसिंह मुंडा के लिए जाके उनको श्रद्धांजलि एक तरह से दिया, तो ये सम्मान कभी भी अपने देश में मैंने किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा। तो इस तरह का अगर आप सम्मान करते हो तो कहीं ना कहीं जो जाति से जुड़े हुए लोग, यहाँ पर बहुत उम्मीद थी कांग्रेस को ओबीसी वोटर्स से, क्या कहेंगे संतोष जी, उम्मीद थी ना? पूरी तरह से उम्मीद थी, हमें तो उम्मीद थी कि हम 140 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से परिणाम हमारी आशाओं के विपरीत आए हैं, तो हर पहलू की जांच होगी। और निश्चित रूप से आदिवासी वर्ग ने भी हमारा पिछली बार साथ दिया था, 2018 में हम जीते थे, और जिन शिवराज सिंह के चेहरे पर इतनी बात हो रही है, यही शिवराज सिंह चौहान का चेहरा 2018 में खारिज हो चुका था, लेकिन धोखे से सरकार बनी और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान आज पास हुए हैं। अच्छा, हर बात पे कह रहे हैं हम बात करेंगे, हम मंथन करेंगे, हम जाएंगे, हम जानेंगे कि हमारी कमियां क्या थी। एक सवाल मेरा गठबंधन को लेकर, इसमें तो आप नहीं बोलेंगे ना कि हम जाकर बात करेंगे, गठबंधन में जिस तरीके की दरारें मध्य प्रदेश में देखने को मिली, इंडिया अलायंस की मैं बात कर रही हूँ, क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर? देखिए मैं कह रहा हूँ कि अब ये छोटी छोटी बातों को इस तरीके से हाईलाइट करना मैं नहीं समझता हूँ, वो एक सामान्य बातचीत का मामला था और निश्चित रूप से उसमें अखिलेश जी ने भी उतनी बात नहीं कही। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी, तो उधर बिहार से नीतीश कुमार आपके साथ आ जाते हैं, ममता बनर्जी आपके साथ आ जाती है, हर कोई मंच पर माहौल बना देता है, लेकिन मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव भी कहते हैं कि हैसियत नहीं कांग्रेस की हमारे सामने खड़े होने की। मध्य प्रदेश की जहां तक स्थिति है, मध्य प्रदेश में दो दलों का हमेशा से चलता है वर्चस्व, और निश्चित रूप से जहां पर जिसकी जितनी उपस्थिति होगी उतना ही उसको वो मिलेगी। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, एक बड़ी खबर, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी हार गए हैं छत्तीसगढ़ में, देखिए मोहम्मद अकबर भी हार के करीब है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेश सरकार के 8 मंत्री। बिल्कुल 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 अंशिका, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कांग्रेस को 36 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया है, ये हालात कर दिए हैं, अप्रत्याशित जीत, प्रचंड जीत, गृह मंत्री अमित शाह की जो चाणक्य नीति थी वो वहां पर काम आई। हमने लगातार देखा अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के दौरे किए, बार बार छत्तीसगढ़ गए, वो रणनीतियां बनाई, और उन्हीं रणनीतियों का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 36 सीटों पर सिमट गई है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर लें तो 64 सीटों पर बीजेपी। रमाकांत जी मेरे साथ जुड़े हुए, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ड्रास्टिक बदलाव आया है, इसके बारे में आकलन करना भी बहुत जरूरी है, आम आदमी पार्टी का आगे का क्या प्लान है रमाकांत जी? निश्चित तौर पे हम लोग संगठन पे काम करेंगे, आम आदमी पार्टी को लोग पसंद करते हैं, इस चुनाव में परिणाम आता हम ये समझ रहे हैं, अगर हम 230 सीटों पे लड़ते तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी विधानसभा पहुंचती, बिल्कुल पहुंचती। अच्छा, तो ये भी आरोप आप पर लगते हैं कि आप अपने लोगों को संभाल नहीं पाते, लोग छटक कर कहीं और चले जाते हैं। देखिए गरिमा जी, इस प्रकार से आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का ना कोई विधायक ना कोई सांसद बिक के डर के टूट के भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया है, ये सच्चाई है। ठीक है, अब मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट से भी मेरा एक सवाल रहेगा, सतीश जी आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी, ऐसा बहुत राजनीतिक दलों ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने खाली वोट काटने का काम किया? देखिए मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति 10 साल पहले भी चुनाव लड़ी थी, 2014 में भी लड़ी थी, और नोटा से कम उनको वोट मिला था, और इस बार मुझे पता नहीं कितना वोट मिला है, ये देखना जरूरी होगा कि उनको नोटा से ज्यादा वोट मिला है या कम मिला है, क्योंकि उनकी उपस्थिति अभी जमीनी स्तर पर नहीं है। और ये बात सही है कि मध्य प्रदेश दो ध्रुवीय राजनीति में रहा है, भारतीय जनसंघ और कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था वो मध्य प्रदेश में कभी 11% तक होता था और बिंदु में हम नतीजे अलग देखते थे, इस बार उसका वोट प्रतिशत भी बहुजन समाज पार्टी का भी बहुत नीचे चला गया है, और समाजवादी पार्टी 1-2 सीटें जीत जाती है या कांग्रेस के बागी कभी जीत जाते, एक बार 5 भी जीत गए थे विधानसभा में, लेकिन उसका भी जनाधार नहीं बन पाया है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए ढोल नगाड़ों की आवाज अगर सुमित आप सुन पा रहे हैं तो यहाँ मध्य प्रदेश में भोपाल में इस वक्त हम मौजूद हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा सीधे से
हम दिखा भी रहे हैं तमाम दर्शकों को, तमाम चर्चा लगातार जारी है। आशीष बिल्कुल अंशिका, अभी एक एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुन पा रहे होंगे जो बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ, और चूंकि ढोल नगाड़े और मिठाइयों का दौर, पटाखों का दौर, और जैसा कि ढोल नगाड़े और पटाखों से मुझे याद आ रहा है कि तीन दिवाली मनाने की बात उन्होंने कही थी। और इस बीच अंशिका एक बड़ी खबर आ रही है हुजूर से, रामेश्वर शर्मा की जीत हुई है 97,910 वोटों के भारी अंतर से, जीत दर्ज की है। गोविंदपुरा से कृष्णा गौर की प्रचंड जीत हुई है। कृष्णा गौर जो कि स्वर्गीय बाबूलाल गौर की बहू है, और 1,07,000 वोट से वो जीती है। और यहाँ गोविंदपुरा की अगर बात करें तो गोविंदपुरा से कृष्णा गौर की प्रचंड जीत हुई है, हुजूर से रामेश्वर शर्मा की बंपर जीत हुई है। तो बड़े चेहरों को भले ही जनता ने नकारा है, लेकिन जो उनके पारंपरिक चेहरे हैं संजय राणा साहब, उन पर जनता भरोसा जता रही है प्रचंड जीत से। मुझे याद आ रहा है क्योंकि अभी जो आज शाम को शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ कृष्णा गौर मौजूद थी, तो ये दोनों परिवार की जो नजदीकियां लंबे समय से थी, स्वर्गीय बाबूलाल गौर का मुझे चेहरा याद आता है इस समय पर, हाँ। जो कि पार्टी के हमेशा जीत की कामना करते रहे, पार्टी के लिए काम करते रहे, कृष्णा गौर को उसी का फल मिल रहा है या उनकी खुद की भी इसमें मेहनत, आप देखते हैं। लगातार आप अपडेट दे रहे हैं कि कहां पर क्या हलचल है। शिवम, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अगर सिलसिलेवार तरीके से क्षेत्रों की बात करें, अलग अलग रेंजेस की, तो महाकौशल का जो इलाका था वहां पर उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। 47 सीट में बीजेपी ने ताबड़तोड़ सीटें जीती और कांग्रेस के आधे से ज्यादा सीटें खत्म हो गई। देखिए, महाकौशल बेल्ट में बहुत हद तक आदिवासी सीटें कई सारी थी। आदिवासी वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे पेशा कानून के माध्यम से हो, उनके अतीत को सम्मान देने के लिए रानी कमलापति, भगवान बिरसा मुंडा, टांट्या मामा, नाना शाह, रघुनाथ शाह, इस प्रकार के जितने भी आदिवासी प्रतीक हैं जो राष्ट्रनायक हैं, उनको पुनर्स्थापित करने की बात हो। जहां कांग्रेस पार्टी एक और मुगलों और आक्रांताओं को ही ग्लोरीफाई करने का काम करती थी, भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम लोगों को इतिहास में इनका उचित स्थान देने का काम किया। साथ ही साथ आदिवासी वर्ग के भविष्य की दिशा में बेहतरी के लिए हमने देखा कि आदिवासी, तो आप बता रहे हैं कि आपने क्या क्या स्ट्रेटेजीज यहाँ पर अप्लाई की है, और देखिए इसलिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज भी नजर आया। संजय राणा जी भी जुड़े हुए। संजय राणा जी, कांग्रेस के हारने के कुछ फैक्टर्स बताइए, किस पर काम नहीं कर पाई। जो मेरा आकलन है, क्या ये सही है कि कमजोर संगठन भी एक बड़ी वजह है? ओबीसी वोटर्स के पीछे पड़ी थी कांग्रेस, सनातन के विरोध में, सनातन को लेकर जिस तरीके के बयान सामने आ रहे थे, फिर गठबंधन में जिस तरीके से यहाँ पर दरार देखने को मिली मध्य प्रदेश में, क्या ये वही फैक्टर है जिनकी वजह से हार का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, आप उनका जो आकलन है बिल्कुल सही है। देखिए, जब कांग्रेस की बात करते हैं तो 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी। एक व्यक्ति पिछले 18 साल से राज कर रहा है, उसके विरुद्ध अगर नैरेटिव सेट नहीं कर पाते तो समझ लीजिए उनकी स्ट्रेटजी में कितनी खामियां होंगी, आप उसका अंदाजा लगा सकती हैं। जहां तक बात आती है कि वहां का संगठन, देखिए कांग्रेस पार्टी का संगठन, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हम कहते हैं मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ में थोड़ा ठीक ठाक है और राजस्थान में ठीक ठाक है, लेकिन संगठन जब मजबूत नहीं होगा तो आखिरी पायदान तक आप पहुँच नहीं पाते हो। जब पायदान तक पहुँच नहीं पाते तो अपने लोगों को समझा नहीं पाते हो और वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, तो संगठन उनका बहुत बिगड़ चुका है। हर आदमी एयर कंडीशन का नेता है और ट्विटर का नेता रह गया। नेता जो होता ना, जिसके जिसके पीछे भीड़ चलती है, एक स्तर तक बयान, एक लेवल तक बयान दिए जाते हैं जी। सनातन को लेकर चुनाव के ठीक पहले सनातन को एड्स कहना, मलेरिया कहना, डेंगू कहना। देखिए जितने लोगों ने भी बयानबाजी की है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस के नेता हो, तो देखिए कहीं ना कहीं इनको मुंह की खानी पड़ी है और लोगों ने वोट के ताकत के द्वारा ही दर्शा दिया है कि भाई अगर हमारे धर्म का अपमान, हमारी आस्था का अपमान करोगे तो तुम्हारे साथ ये काम किया जाएगा। देखिए ऐसा होता ना कि बहुत सारी कमियां हैं कांग्रेस पार्टी को, जिस पे इनको चिंतन करना चाहिए। अभी हमारे मित्र आपके जो खड़े हैं बगल में कांग्रेस के प्रवक्ता, वो बोले थे हम सोचेंगे। अरे भाई, आप 22 साल से सोच ही नहीं पा रहे हो कि उनको कैसे हटाना है, और वो पार्टी 20 साल से राज कर रही है और आने वाले 5 साल तक और राज करेगी, तो आप तो खत्म ही हो जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन पार्टियों के लिए कि समझना कि इनकी गलतियां क्या है। संजय राणा जी कह रहे, संतोष जी एक सेकंड सुन लीजिए सवाल, संतोष जी, संजय राणा जी कह रहे कि 22 साल से क्या आकलन नहीं कर पाए, जो अब फिर सोचना पड़ेगा, अब आपको सोचना है कि क्या हुआ, कहां कमी रह गई, अब समझ गए हैं कि कमी कहां रही। देखिए, निश्चित रूप से मैं एक बात कह सकता हूं कि आज हमारी पराजय हुई तो हम और क्या कहेंगे, हम मंथन करेंगे निश्चित रूप से। और अब इसके पहले कि हमारी जीते नहीं होती रही, 2018 में हम जीते थे ये नहीं भूलना चाहिए। तो निश्चित रूप से बार बार ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी रणनीतिकार, मदद लिए थे दूसरों से, बिल्कुल कोई मदद नहीं, 114 और 116 में कोई अंतर नहीं था, निर्दलीय और हमारे साथी थे वो, और सरकार बनी थी हमारी। देखिए, लोकतंत्र में हमारा जो भारतीय लोकतंत्र है वो फर्स्ट पास द पोस्ट
प्रणाली से चलता है। स्वाभाविक तौर पर अगर किसी भी व्यक्ति को सरकार में आना है तो कम से कम 116 सीटें प्राथमिक रूप से जीतनी चाहिए। तो जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उसमें सपा का समर्थन था, बसपा का समर्थन था, निर्दलियों का समर्थन था, वहीं जब इनके विधायक छोड़ करके नहीं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सीटों के बावजूद दूसरों को तोड़कर सरकार बना लेते वो बहुमत दुहाई दे रहे, वो बहुमत चूंकि आज जीते इसलिए हर बात सही हो जाएगी। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, आज हमारी सरकार मध्य प्रदेश, संतोष जी आज हमारी सरकार मध्य प्रदेश में, तो उसमें से प्रत्येक विधायक भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर निर्वाचित होकर के सदन में बैठा है। आपको अगर 116 विधायक आपके ठीक करके पंजे के निशान पर विधानसभा में बैठते हैं तब आप बात करते तो अच्छा लगता। मध्य प्रदेश में फ्रैक्चर्ड जनादेश मिला था, मध्य इज्जत हमको ज्यादा मिला, आपको ज्यादा मिला, लेकिन आप भी बहुमत के आंकड़े बड़ी खबर बता रहे, पुलिस ने लाठियां भांजी है। हरदा में कमल पटेल की हार के बाद बवाल देखने को मिल रहा है और पुलिस ने लाठियां भांजी है। और बड़ी खबर बता रहे, पुलिस ने लाठी भांजी है। देखिए बता रहे हरदा में कमल पटेल की हार के बाद बवाल देखने को मिला यहाँ पर। बवाल के बाद देखिए किस तरीके से लाठियां भांजी गई, क्योंकि स्थितियां अनियंत्रित हो चुकी थी, आउट ऑफ कंट्रोल, जिसके बाद पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी है। इस लेवल का बवाल, एक तरफ ढोल लगा रहे। अरे सतीश जी, ये चुनाव के बाद तो इस तरह की तस्वीर हम क्यों इस तरीके से देखते हैं? नहीं, किस बात का अपने हार पे जैसा कि बाद है, अगर हार के बाद करना चाहिए, हार के बाद अगर किसी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह का ये कर रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश का ये चरित्र इतिहास नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। हार को गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए और हार और जीत तो राजनीति में होती ही है और चुनाव तो एक हारेगा एक जीतेगा, इस तरह की स्थितियां नहीं बननी चाहिए। निश्चित रूप से प्रशासन को सख्ती से कंट्रोल इसको करना चाहिए। ठीक है शिवम जी, श्रेय आपने दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सवाल कब तक? देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जब तक लोकप्रियता है, जब तक वह पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, आज अगर पूरे विश्व में भी कई देश उनके चेहरे को दिखा करके चुनाव लड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया अच्छा, का प्रधानमंत्री उनको जब बॉस ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं हाँ। तो स्वाभाविक तौर पर वह भी अपने जो लोकल ऑडियंस है उसको संबोधित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर आकृष्ट करना चाह रहे हैं। यूएस के प्रधानमंत्री भी, बड़े मंत्री भी जीते हैं चुनाव, कई बड़े मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया, प्रहलाद पटेल हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, सब जीते हैं। डिप्टी सीएम की भी क्या नौबत आएगी? देखिए यह तमाम चीजें भी भविष्य के गर्त में है, इस पर पार्टी का नेतृत्व निर्णय लेगा, कौन से कार्यकर्ताओं को कौन सी भूमिका का निर्वहन करना है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यह एक खुशी का लम्हा है कि जिस प्रकार से प्रचंड जनादेश वाली सरकार लेकर के हम विधानसभा में जाएंगे और स्वाभाविक तौर पर इतने सारे हमारे पास चेहरे हैं जो जन आकांक्षाओं की पूर्ति को सही तरीके से जाता है। बीजेपी नया ट्रेंड सेट कर देती है, मध्य प्रदेश में भी क्या डिप्टी सीएम वाला चैलेंज शुरू हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। डिप्टी सीएम लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर स्थिति यह है कि हरदा में मंत्री कमल पटेल हारे हैं, उसके बाद वहां बवाल हो गया, पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, पुलिस ने लाठियां बांधकर लोगों को तितर बितर किया, हालात को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन को ग्राउंड पर उतरना पड़ा। ये देखिए तस्वीरें सुमित उस वक्त की है जब ये बवाल शुरू हुआ था, जहां पर मंत्री कमल पटेल की हार के बाद बवाल हो गया, चूंकि कुछ एक ऐसी जगह पर जब रिकाउंटिंग की बात की गई वहां पर जब प्रशासन ने इस बात से इनकार किया तो नारेबाजी शुरू हो गई और फिर पत्थर चलने लगे और फिर पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। बिल्कुल आशीष, और ये बवाल इसलिए हुआ है क्योंकि कमल पटेल कृषि मंत्री और हार जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए थे, नाचते गाते हुए, ढोल बजाते हुए, मिठाइयां बांटते हुए, पटाखे फोड़ते हुए नजर आए, अब जब हार हुई है बवाल होना ही था। देखिए तस्वीरें, कार्यकर्ताओं ने जो ग्राउंड जीरो पर मेहनत की थी, ठीक है उनकी एक उत्सुकता समझ में आती है, लेकिन वहां पर नेताओं को भी मुझे लगता है सुमित अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रण में रहने की हिदायत देनी चाहिए। चुनाव में हार जीत की बात सभी स्वीकार जरूर करते हैं लेकिन यहां मौके पर स्थिति क्या है वो आप देख सकते हैं। ये शाम की तस्वीरें जब हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त, ये वहां पर जो काउंटिंग सेंटर है उसके आसपास देखिए कुछ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, हालांकि कौन कार्यकर्ता किस पार्टी का भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन हार के बाद सुमित स्थिति यहां पर काबू से बाहर होती नजर आई, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस लाठियां भांजती है तो कई लोग घायल भी हुए हैं, ये देखिए किस तरीके से पुलिस ने लाठियां भांजी है क्योंकि कार्यकर्ता उग्र हो गए थे, कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए, हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज वहां पर करना पड़ा और कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। बिल्कुल, और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे, इस बीच सुमित रीवा से राजेंद्र शुक्ला की जीत की जानकारी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी खबर है, रीवा से राजेंद्र शुक्ला की जीत हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
लगातार जीत की खबरें भी बीजेपी खेमे से आ रही हैं। रीवा से मंत्री राजेंद्र शुक्ला की यहां पर जीत हुई है। कई मंत्री हारे हैं आशीष, कई मंत्री जीतते हुए बिल्कुल, और ये जीते हुए मंत्रियों में राजेंद्र शुक्ला है मुझे याद आता है, क्योंकि रीवा वो क्षेत्र है सुमित जहां पर की कांग्रेस पार्टी के द्वारा बार बार ये बात कही जा रही थी कि मंत्री होने के बावजूद भी हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, और ऐसी स्थिति में यहां से राजेंद्र शुक्ला की जीत एक बड़ा करारा जवाब है कांग्रेस पार्टी के लिए, और जो आंकड़े हैं वो और स्थिति स्पष्ट हो रही है। संजय राणा हमारे साथ बातचीत करने के लिए लगातार मौजूद है। संजय जी, राजनीति के बारे में तो जितनी बात की जाए चर्चा की जाए कम ही पड़ती है, लेकिन अभी इस वक्त जो स्थिति नजर आ रही है, सवाल तो मेरे पास बहुत है लेकिन अभी मैं दो लोगों की, दो चेहरों की बात करूंगा। एक चेहरा है शिवराज सिंह चौहान का, दूसरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। इस चुनाव में दोनों काफी नजदीक दिखाई दिए, एक दूसरे के प्रति बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दोनों का दिखाई दिया, उसका भी असर हम देख रहे हैं परिणामों में। देखिए बिल्कुल, आप चंबल क्षेत्र या ग्वालियर क्षेत्र उसमें आप बोले या ना बोले ये तो बताया जा सकता है या बोला जा सकता है कि भाई वो अगर जीत हुई तो कहीं ना कहीं सिंधिया जी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। देखिए वो जो कांग्रेस की जब 2018 के अगर तुलना करें तो वहाँ कांग्रेस की जीत क्यों हुई थी, इनकी वजह से हुई थी। तो देखिए जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो सारे लोगों का एक तरह से जमा होता है, सारे लोग की स्ट्रेटेजी एक साथ होती है, सारे लोगों की ताकत एक साथ होती है, तभी जाके कोई चीज़ जीत सकते हैं। अब देखिए भविष्य में कौन चीफ मिनिस्टर बनता वो तो अलग विषय होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के हाथ मिलाने से जो उनके बीच की दूरियां थी उसको कम किया गया है, और दोनों ने अपने तरफ से एक गर्मजोशी दिखा करके इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उस पे जीतने के लिए काम किया है, ना कि अपनी पार्टी को कहीं से डेंट करने के लिए, पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए। और उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। देखिए 170 सीटें, जो 168 सीटें आप दिखा रहे हैं वो ऐतिहासिक जीत है। हमें तो मतलब हमारे याददाश्त में तो नहीं आ रहा कि ऐसी ऐतिहासिक जीत मध्य प्रदेश में कभी आज से 20-25 साल में। बिल्कुल आशीष, शिव और ज्योति की जुगलबंदी हम इसे कहेंगे, शिव ज्योति की जुगलबंदी। और आज साथ में मिलकर बैठे थे तीनों, शिवराज सिंह चौहान, सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ी देख रहे थे पल पल का अपडेट। लौटूंगा संजय जी आपके पास, सीधे विधानसभा मध्य प्रदेश विधानसभा का रुख कर लेते हैं जहां पर हमारी सहयोगी अंशिका मौजूद है। अंशिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, थैंक यू सुमित, और यहाँ पर मेरे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हैं। जिस तरीके से संजय जी बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं हम कि कहाँ पर कमियां थी या बीजेपी के किस फैक्टर ने इतनी प्रचंड जीत की और उन्हें आगे बढ़ाया, इसके अलावा कहाँ पर कमियां रह गई हैं और मध्य प्रदेश की जनता को क्या लुभाया है, इन तमाम चीजों के बारे में हम जान रहे हैं। कई बड़े चेहरे बीते दिनों हमने मध्य प्रदेश में देखे, अभी भी मौजूद है, ढोल नगाड़े सुनाई दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी कार्यालय में जबरदस्त यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, सब यहाँ पर जश्न मना रहे, सेलिब्रेशन चल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर संतोष जी, तो हनुमान को आपने उतारा था चुनावी मैदान में, शिव के सामने हनुमान, वो भी नहीं जीत पाए। निश्चित रूप से हमने विक्रम मस्ताल शर्मा को बुधनी से प्रत्याशी बनाया था, जो कि लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में उन्होंने हनुमान का रोल किया था और बहुत मेहनत की थी उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाना हमारी समझ से परे है। और मैं समझता हूं कि मैं भी वहां था, मीडिया प्रभारी का मैंने काम देखा था और लग रहा था कि बहुत अच्छा चुनाव रहेगा, लेकिन आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं हो पाया। हम इसकी समीक्षा करेंगे। क्या कहेंगे शिवम जी, शिव के सामने हनुमान को उतारा और ये कार्ड भी खेला था कि अब हनुमान आए हैं तो फिर कोई नहीं रोक सकता। एक तरफ बिल्कुल, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, अंशिका आपके पास लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर, एमपी में बीजेपी ने जीत का बहुमत का आंकड़ा छू लिया है और अब रिजल्ट जो है वो क्लियर होने लगे हैं। सुमित, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीत में बहुमत का आंकड़ा छू लिया, 120 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, वो जादुई आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया है जो एक पार्टी को चाहिए होता है। मतलब मध्य प्रदेश में 116 वो जादुई आंकड़ा था जिसे बीजेपी ने पार कर दिया है। 120 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, 164 सीटों पर आगे है, मतलब 43 सीटों पर आगे है, और 121 एक और बढ़ गई है, 121 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है, बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। बिल्कुल, और अभी अभी जिस तरह से ये तस्वीर और क्लियर हो रही है, जिस तरह से ये तस्वीर अभी और क्लियर हो रही है, 121 का तो आंकड़ा पहुंच ही गया है, लेकिन जो 164-165 के आसपास, क्योंकि 67 सीटों पर अब से कुछ ही देर पहले जो मुझे दिखाई दे रहा था बढ़त थी, और जो स्पष्ट होने के बाद मुझे लग रहा है 40 के आसपास सीटों पर अभी आगे चल रही भारतीय जनता पार्टी, और वहां पर 44-45 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो ये आंकड़ा जो अभी दिखाई दे रहा रुझान में लगभग उसी के आसपास पहुंच जाएगा। और लगातार इस पूरे मामले पर हम नजर तो बनाए हुए हैं ही,
कि अभी चुनाव में स्थिति क्या है, और सुमित जो अभी तक आंकड़ा जो है वो बहुमत का बीजेपी ने छू लिया है, और इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी जो जश्न मना रही है उसकी आवाज अंशिका आपके आसपास भी आ रही है, आप भी रहिएगा हमारे साथ, मेहमानों से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक सुमित हमें यहां पर लेना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज 18 पर पल पल का अपडेट, हर एक नतीजा सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल छोटे से ब्रेक रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द लौटते हैं। गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी।